नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। हिंदुस्तान में शिव मंदिरों की भरमार है, लेकिन कुछ शिवालय ऐसे भी हैं जिनका इतिहास आज भी रहस्यमय है। ऐसा ही एक शिव मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यहाँ के शिवलिंग की खास बात यह है कि इसमें एक या दो नहीं बल्कि पूरे 1,00,000 छिद्र हैं। मान्यता है कि यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है उसी मनोकामना पूरी होकर रहती है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि के पर्व में यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। जाने 1,00,000 छिद्र वाली शिवलिंग से जुड़ा रहस्य। छत्तीसगढ़ राज्य के खरोद में लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। मंदिर के बारे में कथा है कि लंकापति रावण का वध करने के बाद लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई भगवान श्री राम जी से इसी मंदिर की स्थापना करवाई थी। यहाँ स्थापित शिवलिंग में पूरे 1,00,000 छिद्र हैं। बेहद अद्भुत और आश्चर्य से भरा इस शिवलिंग की पूजा करने से मात्र से ब्रह्म हत्या के दोष का भी निवारण हो जाता है और अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। प्राचीन कथा अनुसार भगवान श्री राम ने यहाँ पर खर और दूषण राक्षसों का वध किया था, इसलिए इस जगह का नाम खरोद पड़ा। सूर्य नारायण से 3 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पे स्थित खरोद नगर में स्थापित है यह दिव्य एवं अद्भुत 1,00,000 छिद्र वाला भव्य शिव मंदिर। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं लक्ष्मण ने की थी। इस शिवलिंग में 1,00,000 छिद्र है, इसलिए इसे लक्ष्मलिंग कहा जाता है। इन 1,00,000 छिद्रों में से छिद्र ऐसा है जो कि पातालगामी है, क्योंकि उसमें कितना भी जल डालो वो उसमें समा जाता है, जबकि ये छिद्र अक्षय कुंड है, उसमें जल हमेशा भरा ही रहता है। लक्ष्मलिंग पर चढ़ाया जल मंदिर के पीछे स्थित कुंड में चला जाता है, क्योंकि ये कुंड कभी नहीं सूखता। लक्ष्मलिंग जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयं भू भी कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ राज्य की काशी शिवदेव धाम भी कहा जाने लगा है। श्रावण के सभी सोमवार और महाशिवरात्रि पर यहाँ पर भव्य मेला लगता है एवं विशेष अवसरों पर यहाँ शिव भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था और वध के बाद श्री राम जी को ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण करने के लिए श्री राम जी ने भगवान शिव जी की आराधना की थी। शिव जी को जल अर्पित करने के लिए लक्ष्मण जी पवित्र स्थानों से जल लेने गए थे। एक बार जब वो आ रहे थे तब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। कहा जाता है कि शिव जी ने बीमार होने पर लक्ष्मण जी के सपने में दर्शन दिए और लक्ष्मलिंग रूप की स्थापना करने के लिए कहा। लक्ष्मणलिंग के पूजन से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए, इसलिए इस शिवलिंग को लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। इस मंदिर के चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवार है। मंदिर में सभा मंडप के सामने भाग में सत्यनारायण मंडप, नंदी मंडप और भोगशाला है एवं प्रवेश द्वार पे गंगा यमुना की मूर्ति स्थापित है।